है कि ये फर्मा बड़ा है तो इस पे कितने तरीके करने बन सकते हैं, बड़ा हो गया ये छोटा हो गया तो इससे। भाइयों मनी काइट सेंटर पे आ रखे थे आज। आज हमने अंकल जी को ना मतलब थोड़ा सा परेशान करेंगे। आज अंकल जी एक वीडियो होने वाला है और आज जिस पतंग का हम कन्ना बांधेंगे ना वो लंबा फरमा नहीं, आज गोल फरमा। अंकल जी पुआने उड़ाने वाले हैं। उस टाइम पे ना पार के पेच लड़ते थे और गोल पतंगे ज्यादा उड़ती थी, बड़ी पतंगे। तो आज हमने देखो यहाँ पे ना ये चार पतंगे निकाली हैं। मैं आपको ना अभी अंकल जी को माइक लगाऊंगा, देखिए चार बड़ी पतंगे। देखिए फरमा कितना बढ़िया है ये वाला, मैं आपको फिर यहाँ पे दिखाता हूँ। देख लीजिए कितना बड़ा फरमा है। आज ये वो फरमा है जो लड़ता है पार के पेचों में। आज अंकल जी से पूछते हैं कि इस बड़े फरमे पे कितने तरीके के कन्ने बांधे जा सकते हैं और अंकल जी अगर लड़ाते अपने टाइम के हिसाब से तो कौन सा कन्ना बांधते। तो आज हम वो करेंगे। उससे पहले दिखाता हूँ आपको। देखो भैया आज हमने ना यहाँ पे वीडियो करा जिसमें हमने कवर किया हमारे बशीर बैग की डोर कवर करी है, यहाँ पे हमारे जीडिया जो का जो नया ब्लॉग है वो कवर किया है, फुरकान का डबल कोट आ चुका है वो कवर किया है, बहुत कुछ कवर किया। और हम कवर करेंगे अंकल जी को और अंकल जी से भैया एक बनवाएंगे वीडियो कन्नों के ऊपर। लगाते हैं माइक और भैया आज हम कवर करेंगे बड़े फर्मे पे कन्ना कैसे बांधे। स्टार्ट करने वाले हैं, उससे पहले अंकल ना कुछ पतंगे चेक करते हैं कि अपने हिसाब से पतंग चेक करते हैं। तो अंकल जी एक तो ये बड़ा फर्मा है, आप कहते हैं ना कि पुराने जमाने पे लड़ता ही ये फर्मा था, राइट? तो आपको भी ये पतंग पसंद आती होगी और आपके टाइम के पतंगों का उस टाइम का बड़ा फर्मा लड़ता था। तो सबसे पहले मैं देखा आपने तीन चार पतंगे निकाले, तो आपने पतंग में क्या चेक किया? अपने मिजाज के निकाले ना, कांप अच्छी हो, ये देखो जैसे ही है थोड़ी सी स्प्रिंग मारती जा रही है और ठंडा थोड़ा ज्यादा ना मजबूत ना हल्का, ओके मीडियम से थोड़ा सा बड़ा, ओके जो डोर खींचे पतंग को, ओके अगर ठंडा काम बराबर हो जाएगी तो पतंग आप ही उठ के नहीं आएगी नीचे से, फिर कहना नहीं मानेंगे आप, ओके तो ऊपर नहीं हल्का ऊपर नहीं करेंगे। दोनों में से एक चीज थोड़ी सी हल्की होनी चाहिए, यानी 80 और 100। जैसे अभी हमने एक वीडियो किया था तो मेकर ने बताया कि ठंडा चलेगा 20 और कमानी होनी चाहिए 19 होनी चाहिए, इतनी होनी चाहिए 10%। तो आपने उस चीज को सब कर दिया कि आप लोग भी इस चीज को देखते हैं। तो अंकल जी आप मेन है कि ये फर्मा बड़ा है तो इस पे कितने तरीके करने बन सकते हैं? 7 तरह करने। तो आज हम ट्राई करेंगे, दुबला दिखाता हूं कैसे मानते हैं। चलिए तो उसी में थोड़ा एक्सप्लेन कर देंगे छोटा करना या 7 तरह करने कैसे आते हैं। तो देखिए अंकल जी कितना बढ़िया चीज लेके आए, कितने बढ़िया वो यूज किया है, सिलाई यूज करी है और अब ये सद्दे निकालते हैं। तो अंकल जी जो आप करना बांध रहे हैं, इस करने का फायदा क्या होने वाला है? फायदा आपकी पतंग डोर खींचेगी, डोर खींचेगी मतलब झोल में बनाएगी, आपके कहने में रहेगी डोर खींचेगी, क्या नाम मानेगी आपकी पतंग, ओके। और ये रेंज पे लड़ेगी कि छोटा? हाँ, रेंज पे आप छोटा ला सकते हो उसको, मगर रेंज में मना नहीं करेगी आपको। अच्छा, रेंज में मना नहीं करेगी। जो दूर जो दूर की पतंग है, हाँ जी, वो नजदीक लड़ जाती है मगर नजदीक वाली दूर बहुत नहीं लगती है। नहीं, करने का भी होता है, अभी करना जो बांधेंगे तो इससे अगर हम पार का लड़ाएंगे तो उस पे कोई मतलब ये पार के लिए करना बांधेंगे। हाँ, ये पार के करना बांधेंगे, कमांड सेट है पार का ना इसका, ओके। देखिए अंकल जी करने वालों का स्टाइल देखिए, पुराने उड़ाने वाले हैं दिल्ली के, बड़े बड़े गेम करे हुए, बड़े बड़े जो हमारे दिल्ली के जाने माने नाम उनके साथ पतंग उड़ाई है और सब जानते हैं इनको। तो देखिए भैया इनके हाथ से करने सीख रहे हैं हम, वो भी फर्मा देखो गोल, देखो लंबे फर्मे तो बहुत बांधे आज हमने, गोल फर्मा पकड़ा है और अच्छा खासा बड़ा गोल फर्मा है ये, और ये पतंग हम लेके जाएंगे कभी पार का पे लड़ाएंगे तो अंकल कन्ने बांध के उड़ाएंगे हम, देखना। अंकल यहाँ भी डबल किया है मैंने देखा, यहाँ पे भी ताकि टूटे ना, अंकल फायदा है ना, मजबूत हो जाता है और कन्ना आगे खींच सकते हैं। 1 और ये 2, दो गार्ड बांध दो, ये अभी हो गया, इससे आपकी पतंग आगे खिसकेगी नहीं। चलिए अच्छा अंकल जी, अब ये पार की पेच के लिए आपने जो गैप लिया वो कितना लिया? ये 10 इंच समझ लो आप, 10 इंच समझ लो, 10 साढ़े 10। वैसे नॉर्मली हम 9 ही रखते हैं ज्यादातर, ओके। अपना अपना तरीका है, अब इसको ऐसे पकड़ लिया हमने, हाँ जी, अब कुछ नहीं करना हमने, ये ले लिया हमने। अब ये तो हो गया आपका मीडियम, ये मीडियम हो गया, अगर मीडियम ये हो गया थोड़ा और आगे, ओके, और अब ये थोड़ा सा आपका और आगे हो गया, ये बड़ा हो गया, ये छोटा हो गया, छोटा हो गया। तो इससे फायदा क्या होने दो साथ रहेगी ना? अच्छा, दो साथ रहेगी, बिल्कुल बिल्कुल। पर खींचने के लिए कहते हैं कि थोड़ा सा वो कर दे, आगे गिरा दो उसको बस। अच्छा, मैं इतनी बड़ी पतंग को खींचते कम है लो, राइट राइट। ये आपका कन्ना हो गया तैयार, अब आपने इसको ठंडा मोड़ लेना, ऐसे ऐसे मोड़ लो, ऐसे मोड़ लो जैसे मजे मोड़ लो, एक बार इसको पतंग को देख लिया आपने और आपने टेप लगाई अपनी और
सामने वाली जितने बजे गाड़ लो। चलिए अब मैं आपको दिखाता हूँ, फिर से करना दिखाता हूँ ये वाला, जो ये गाठ बांधी है ना अंकल जी ने, जो इसको क्या बोलते हैं, इसको हम उल्टा करना कहते हैं। करना इसमें देख, करना ये आगे वाला बड़ा रखा बड़ा है और ये छोटा रखा है, तो इसका ये फायदा होने वाला है, सूत का फर्क है। ओके, तो इससे ये फायदा की डोर साथ रखेगी, डोर साथ रहेगी, पार के पीछे चला तो अच्छी रहेगी, चल अच्छी रहेगी, शौकी ना की मतलब 800,000 लड़ाने वाले। बिल्कुल। चले अब अंकल इसी फर्मे पे जो दूसरे करने का है कुछ आगे हल्का सा थोड़ा सा आगे कर देंगे इसको, अगर नजदीक लड़ाना है तो। ओके, इस गाठ को आगे कर देंगे और इसको थोड़ा। अच्छा अंकल, इसमें वेट भी लेगी पतंग अभी ये वाली? इसको थोड़ा ऐसे कर देंगे, ऐसे कर देंगे। ओके, आप करें आगे लेके इसको बराबर कर देंगे। ओके चलिए, इसको थोड़ा छोटा भी कर देंगे और आगे भी कर देंगे। ये दूर का हो गया। ओके, अब ये नजदीक का हो गया, तो इससे फायदा होगा, पतंग हल्की हो जाएगी थोड़ी सी। हाँ, हल्की होगी, वो खींचतान में अच्छी रहेगी आपकी, खींचतान में हल्की रहेगी। अब पतंग भारी है तो भारी रहेगी, वैसे तो ऐसी बात नहीं। ये देखो छोटे से यहाँ भाई है, ठीक है भाई। चलिए तो भैया देखिए, मीडियम अगर आप उड़ाते हैं तो ये वाला फर्मा बहुत अच्छा बताया अंकल जी ने कि भैया कन्ना हल्का सा बड़ा रखिए। एक बात बता दूं आपको, इस कन्ने को लड़ाने के लिए आपको प्रैक्टिस चाहिए थोड़ी। अच्छा, आपके चुटकी में, दोनों चुटकियों में थोड़ा दम होना चाहिए। जैसे आपने पेच फंसा, डोर गई, भागी और आपको जलने लगी उंगली, तो आपने छोड़ दी उसको, थोड़ा सा इसको प्रैक्टिस के बाद ही इसको यूज। टेप बांध के दिए, वेट लेगी पतंग। हम तो टेप बांधते रहते हैं, जैसे हमने डोर दे रहे हैं तो सर्दी हाथ काटती है, गर्म हो जाता है, तो आप जैसे डाले आदमी छोड़ देता है, बारी तो पकड़ी जाती है उससे, वो कट जाएगी, वो कट जाएगी, कुछ भी जो भी होगा नुकसान ही है। मगर ऐसे होने चाहिए आपके बैग्स के, आपके कहने में रहे और आपके काबू में रहे पतंग, भाई कहीं का ये वेट लेगी। टेप लगा लो या दोनों उंगली कर लो, कुछ भी कर लो। और पहले टाइम में क्या करते थे, नाखून को बड़ा रखते थे। ओके, ये दबाया, पिछले नाखून से दबा लिया। अच्छा जी, कटते थे पहले भी थी उंगली, बार नहीं कटते। चलिए, पर मेन है कि मेरा इस चीज का ध्यान रखने वाली बात है इसके अंदर, और ये कहने का वेट उठाने वाली पतंग हो जाएगी, अभी थोड़ा सा वेट लेगी। चलिए, तो अंकल जी ने बहुत बढ़िया चीज बताई, थैंक यू सो मच अंकल जी, मजा आ गया।